सो गाइज़, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं गाइज़, आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जब मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो बहुत बार क्या होता है, हमारा मोबाइल चार्ज होने लगता है, लेकिन इसमें हमारे मोबाइल में तो हमारा डिवाइस शो नहीं होता है। मोबाइल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइज़, इस तरह से शो नहीं होता है। तो क्या होता है, हम कैसे से उसको सही करेंगे, तो इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ गाइज़। मेरा विंडोज 7 है, तो विंडोज 7 में आपको मैं बताने वाला हूँ गाइज़, लेकिन ये चीज़ आप विंडोज 10 11 कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं गाइज़। तो वीडियो को देखते रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। चलिए हम आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं गाइज़। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा। तो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना डेटा केबल के साथ अपने मोबाइल कनेक्ट कर दिया, लेकिन मेरा मोबाइल शो ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ गाइज़, स्टेप बाय स्टेप मतलब करके दिखाऊंगा आपको। तो क्या करना गाइज़, पहले यहाँ पर विंडो के बटन पर क्लिक करना गाइज़। जैसे विंडो के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको टाइप करना गाइज़ डिवाइस मैनेजर, यहाँ पर लिखना है डिवाइस मैनेजर। तो लिखने के बाद गाइज़ जो भी आएगा, विंडो 7 10 कोई भी हो, तो उसके बाद उस पर चले जाना है डिवाइस मैनेजर के अंदर गाइज़। कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है गाइज़ यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चेक करना है आपका ड्राइवर मिसिंग है कि नहीं। यूएसबी वाला बहुत सारे लोगों का ड्राइवर मिसिंग हो जाता है, उसकी वजह से वहाँ पर यूएसबी में कनेक्ट होता है, लेकिन क्या होता है कि हमारा डिवाइस शो नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है गाइज, और यहाँ पर चेक पहले देख लेना। तो यहाँ पर मेरा डिवाइस दिख नहीं रहा यूएसबी वाला मतलब ड्राइवर। तो यहाँ पर ऊपर पीसी का जो ऑप्शन दिख रहा है गाइज, उस पर आपको क्लिक करना है गाइज ऊपर, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो इस पर क्लिक करना है, इससे क्या होगा ये रिफ्रेश हो जाएगा थोड़ा सा। मैं क्लिक करता हूँ उस पर गाइज, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से रिफ्रेश होगा, फिर 2-3 बार इस पर क्लिक करना गाइज। तो गाइज जैसे ही 2-3 बार इस पर क्लिक करेंगे बार बार, तो हमारा जो ड्राइवर होगा यूएसबी वाला जो भी मिसिंग रहेगा, ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने लगता है। जो भी हमारे मतलब लैपटॉप के अंदर ऐसा सिस्टम दिया हुआ रहता है गाइज, नीचे आप देख सकते हैं गाइज इंस्टॉलिंग ड्राइवर सॉफ्टवेयर, यहाँ पर नीचे लिख रहा है गाइज। तो ये इंस्टॉल हो रहा है गाइज, अभी थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा, ऐसे हमको रिफ्रेश करते रहना है। और इंस्टॉल होने के बाद अभी देखना गाइज आपके सामने मेरा डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा आपके सामने गाइज। तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, बस यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका है, उसको हम कट करेंगे। ये हमारा मोबाइल का भी ऑप्शन आ चुका है डायलॉग बॉक्स, मतलब मेरा मोबाइल मेरे लैपटॉप में कनेक्ट हो चुका है गाइज। मैं आपको अभी फाइल में जाकर के दिखा देता हूँ गाइज, यहाँ पर मैं फाइल पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा मोबाइल शो हो रहा है आपके सामने गाइज। अभी थोड़ी देर पहले शो नहीं हो रहा था, तो मैंने आपके सामने ही किया जो भी किया, और यहाँ पर मेरा डिवाइस शो होने लगा गाइज। वहाँ से रिफ्रेश किया हूँ, ऑटोमेटिकली ड्राइवर इंस्टॉल हुआ, यहाँ पर शो होने लगा गाइज। लेकिन अगर इसके बाद भी आपका नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए गाइज, यहाँ पर जो यूनिवर्सल सीरियल बस नीचे लिखा हुआ गाइज, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है, और यहाँ पर जो भी दिख रहा है जनरल यूएसबी हब, तो इस पर राइट क्लिक करके आपको अपडेट्स ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपको क्लिक करना है गाइज। उस पर बाद ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा सर्चिंग लेगा, उसके बाद गाइज ये वाला भी आपका अपडेट हो जाएगा। इस तरह से नीचे जितना भी यूएसबी वाला आपको दिख रहा है गाइज, सबको आपको राइट पे क्लिक करके यहाँ पर अपडेट सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है गाइज। जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इस तरह से आपको करना गाइज। जैसे करेंगे तो आई होप सो आपका सही हो जाना चाहिए इतना करने के बाद गाइज। तो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इतना करेंगे तो आई होप आपका हो जाएगा, नहीं होगा तो कमेंट में बताइए आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक बाय।